हेलो एवरीबॉडी, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रेटर देन एंड लेस देन के बारे में, ठीक है? और ये सब कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है, ये सब भी हम आज जानने वाले हैं। ओके, फर्स्ट आज हमको क्या पढ़ने वाला है? ग्रेटर देन एंड लेस देन। ओके, फर्स्ट ग्रेटर देन का सिंबल क्या है ये पहले जानेंगे। ऐसा ये है ग्रेटर देन का सिंबल। और लेस देन का सिंबल ये है, ठीक है? और भी एक सिंबल है इसमें, इक्वल टू। इक्वल टू इसका सिंबल वैसे दो स्लिपिंग लाइन, छोटा छोटा दो स्लिपिंग लाइन। ओके, पहले हमको ये जानना है ग्रेटर देन कहाँ पे यूज करते हैं हम और लेस देन कहाँ पे यूज करते हैं। कुछ नंबर्स लिखते हैं पहले, उसके बाद पता चलेगा। ओके, 5, 4, 3, 9, 7 6, 8, 2, 10, 4, ओके? इतना ही हम पहले देखेंगे 5 और 4 में कौन सा ज्यादा है। अगर आप लोगों को कौन सा ज्यादा ये पता नहीं तो आप कैसे करेंगे? 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और 5 ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है? तो हम ये काउंट करके और ये ऑब्जेक्ट को देखकर हमको ये जानना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा है, मतलब ये कम है ये ज़्यादा है। तो 5 है बड़ा नंबर, ग्रेटर नंबर। तो हमको कैसे पता चलेगा कौन से सिंबल यहाँ पे यूज होगा? मतलब हम जब वर्ड में बोलते हैं तो 5 इज़ ग्रेटर देन 4, मतलब 5 4 से बड़ा है। तो ग्रेटर देन का सिंबल हम कैसे यूज करते हैं? एक कंसेप्ट है, 5 और 4 के बीच में हम कौन सी सिंबल यूज करेंगे। तो देखो, ये एक चिड़िया का चोंच की तरह है। ओके, चिड़िया का चोंच, जो बड़ा नंबर होगा चोंच उस तरफ खुलेगा, मतलब 5 बड़ा है तो चोंच 5 की तरफ खुलेगा। ओके, जो छोटा होगा उसके तरफ जाएगा, लेकिन 5 के बड़ा ऑब्जेक्ट के तरफ चोंच खुल जाएगा। ओके, तो इससे इसको हम बोलते हैं, ये है ग्रेटर देन, मतलब 5 इज़ ग्रेटर देन 4, 5 4 से ज़्यादा है या 5 4 से बड़ा है। ओके, देन 3 और 9, 3 9 से बड़ा कौन है? अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप ऑब्जेक्ट बनाकर भी बड़ा छोटा ये पता लगा सकते हैं। तो 3 और 9 में कौन सा बड़ा है? 9। ओके, 9, जब 9 बड़ा है तो चिड़िया का चोंच किस तरफ आएगा? 9 की तरफ। जो बड़ा नंबर आएगा या ग्रेटर नंबर आएगा, चिड़िया का चोंच उस तरफ आएगा ना। तो बड़ा 9 है तो इसीलिए चिड़िया का चोंच किस तरफ खुलेगा? 9 के तरफ। ओके, मतलब इसको बोलते हैं लेस देन, 3 इज़ लेस देन 9, मतलब 3 9 से छोटा है। ओके, ग्रेटर देन के मतलब बड़ा है और लेस देन का मतलब छोटा है। इट्स कंप्लीट। देन 7 एंड 6, 7 एंड 6 के बीच में कौन सा बड़ा है? दोनों से कौन सा बड़ा है? 7। ओके, तो 7, अगर 7 बड़ा है तो चिड़िया का चोंच किस तरफ खुलेगा? 7 की तरफ, मतलब 7 इज़ ग्रेटर देन 6। ओके, देन 8 एंड 2, इसमें से कौन बड़ा है? 8। ओके, 8 बड़ा है तो चिड़िया का चोंच किस तरफ आएगा? 8 की तरफ, मतलब चिड़िया का चोंच 8 की तरफ खुल गया। ओके, 8
इज ग्रेटर दैन टू, ओके, मतलब एट टू से बड़ा है। देन आ गया टेन एंड फोर। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखो, फोर वन ऑब्जेक्ट है, सॉरी वन नंबर है एंड टेन टू नंबर वाला, टू डिजिट वाला नंबर है। ये वन डिजिट वाला नंबर, ये है टू डिजिट वाला, मतलब वन से टू ज़्यादा है। तो ये सिंपल सा है कि टेन इज ग्रेटर देन फोर। हम चिड़िया का चोंच किस तरफ खुलेगा, टेन, ओके, टेन इज ग्रेटर देन फोर। लास्ट में हम एक करेंगे फाइव और फाइव, ये तो दोनों सेम है ना, तो इसमें लगेगा इक्वल, मतलब फाइव इज इक्वल टू फाइव, मतलब फाइव और फाइव सेम है, ओके। तो आप लोगों को पता चल गया, अगर ये है वन डिजिट नंबर का, हम जब टू डिजिट करेंगे, टू डिजिट विथ वन डिजिट, तो कैसे पता चलेगा, सिक्स ट्वेल्व। देखो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि ये है वन डिजिट, ये है टू डिजिट, मतलब ये है बड़ा वाला, ओके। तो चिड़िया का चुंच उस तरफ आएगा, और ये है एक डिजिट, ये है टू डिजिट, ठीक है। तो चिड़िया का चुंच किस तरफ आएगा, किस तरफ आएगा, इस तरफ, ओके। वैसे आपको पता चल गया ना कि हम कहाँ पे ग्रेटर देन यूज करते हैं और कहाँ पे लेस देन, ओके। इसको हम ऐसे छोटा छोटा नंबर लिख के घर में प्रैक्टिस करोगे, और ये सब प्रैक्टिस करने से ये बहुत अच्छे से याद रहता है, ओके, ठीक है, चलो बाय।